तो इससे पहले वाली जो हम लोगों ने क्लास की थी उस पर हमने इस बारे में डिस्कशन किया कि किस तरीके से आप कोलाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस कि उन लोगों का डिस्पर्स फेज कौन सा है, डिस्पर्स मीडियम कौन सा है, राइट। तो अभी हम लोग मूव करते हैं अपने बी पार्ट में, ठीक है, यानी कि उसको क्लासिफाई करने के दूसरे तरीके पे, कि आप दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो आपके पर्टिकुलर कोलाइड को। तो जो दूसरा तरीका है, उस दूसरे तरीके में हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं आप लोगों के इस बेसिस पर कि जो डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है, और उस डिस्पर्स मीडियम के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है, यानी कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल और डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग किस प्रकार की है, बहुत अच्छी है, बहुत कमज़ोर है, लाइक दिस। इस अब से हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलो क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं। तो अगर मैं इसके बेसिस पे क्लासिफाई करूँ कि उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो टाइप के कोलाइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स और दूसरों को हम लोग कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। अब जैसे फिलिक, फोबिक, ये जो वर्ड्स हैं ये तुम लोग इससे फैमिलियर हो। फिबिक मतलब अगर मैं बात करूँ फोबिक का मतलब, तो फोबिक का मतलब होता है किसी चीज़ से डरना, घबराना, उससे दूर जाना, राइट। और फिलिक का मतलब होता है उसके प्रति अट्रैक्ट होना, ठीक है, या बेसिकली कह सकते हैं टू लव। तो ये होते हैं हम लोगों के दो कैटेगरीज के कोलाइड्स, लायोफोबिक और लायोफिलिक। बट जैसे मैं अगर ये बोल रही हूँ कि वो पर्टिकुलर चीज़ पसंद कर रही है, उसको उससे प्यार कर रही है या उससे डर लग रहा है, उससे नफरत कर रही है, दूर जाना चाह रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? मुझसे दूर जाना चाह रही है क्या वो, कि तुमसे दूर जाना चाह रही है? तो बात होती है कि जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट का मतलब जो हम डीएम यूज़ करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग डीएम यूज़ करते हैं, सिर्फ डीएम यानी कि डिस्पर्स मीडियम, ये हम लोगों का क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो अगर आपका डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ लविंग है किससे, डिस्पर्स्ड मीडियम से, तो उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, उस डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेस के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं लायोफिलिक सॉल्व। और अगर मान लेते हैं तुम्हारा वही डिस्पर्स्ड फेस आप लोगों का डिस्पर्स मीडियम के प्रति, ठीक है, नॉट अट्रैक्टेड है, मतलब उतना ज़्यादा उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है, या फिर वीकली अट्रैक्टेड है, फिर भी आपने उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रखा है, तो बेसिकली उसे हम लोग कहते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। सो इनडायरेक्टली इफ, ठीक है, इफ डी पी इज लविंग डीएम, या फिर मैं ऐसा कहूँ इफ डी पी इज लविंग वॉट आप लोगों का सॉल्वेंट, देन दोज कॉम्बिनेशन ऑफ कोलाइड्स आर नोन एज आप लोगों का लायोफिलिक। बट इफ माई डी पी इज हेटिंग, हेटिंग मतलब उसको पसंद नहीं आ रहा है उसके साथ रहना, ठीक है, इस हेटिंग डीएम, वो डीएम को पसंद नहीं कर रही है, या फिर मैं कहूँ कि वो इस हेटिंग सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट को पसंद नहीं कर रही है, सो इन दैट केस वी कॉल दोज कोलाइड्स एज वॉट आप लोगों का लायोफोबिक कोलाइड्स। एंड जनरली हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, आपके जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती ना, ऑर्गेनिक का मतलब लाइक स्टार्च, लाइक प्रोटीन, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं एज वेल एज जो ऑर्गेनिक हैं, तो ये जो ऑर्गेनिक टाइप के लोग होते हैं, है ना, जैसे प्रोटीन्स हो गया आप लोगों के पास, आप लोगों के पास स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये वाले जो चीज़ें होती हैं ये जनरली आप लोगों के फोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? फोबिक होते हैं। और जो तुम लोगों के इनऑर्गेनिक वाले लोग होते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब आप किसी मेटल के साथ, ठीक है, हैलाइड का कॉम्बिनेशन कर लो, राइट, मेटल के साथ आप किसी सल्फाइड का कॉम्बिनेशन कर लो, या फिर हाइड्रो ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन कर लो, ठीक है, या फिर आप मान लेते हैं ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स, ठीक है, या फिर सिंपली आप मेटल को पानी में डिजोल्व कर लो, तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये जनरली आपके होते हैं लायोफोबिक, ठीक है, ये जनरली आप लोगों के क्या होते हैं, लायोफोबिक।
और फर्दर हम लोग इस लायोफोबिक को और क्लासिफाई करेंगे, तुम उसकी टेंशन नहीं लेना। बट आज की क्लास में हमारा एम लायोफोबिक का क्लासिफिकेशन नहीं है, हमारा एम है कि लायोफोबिक और लायोफिबिक के बीच की फिलिक के बीच की डिफरेंस प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, ठीक है। लायोफिलिक वैसे भी हमारे सिलेबस में उतना नहीं है, हमारा जो मेन सिलेबस है वो लायोफोबिक के आजू बाजू ही घूमता रहता है, हमें लायोफोबिक में ही बातचीत करनी है ज़्यादा। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, लायोफिलिक वो इंसान है जिसको भैया बहुत अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है उसको, सॉल्वेंट बहुत ही अच्छा लगता है, ही लव्स सॉल्वेंट, उसको बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह काश मेरे और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, उसको बेसिकली सॉल्वेंट के साथ रहना उसको उसको अच्छा लगता है, उसके डीपी को अच्छा लगता है सॉल्वेंट के साथ रहना। इसका मतलब होता क्या है कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नंबर वन के मैं बारे में बात करूँ तो पहली यही हो गई कि आप लोगों का जो डीपी है, ठीक है, वो अट्रैक्टेड रहता है किसके प्रति, अट्रैक्टेड रहता है आपके डीएम के प्रति। अगर वो डीएम के प्रति अट्रैक्टेड है, इसका मतलब क्या तुम और मैं ये कह सकते हैं कि डीपी और डीएम के बीच में एक अच्छा खासा क्या हो रहा होगा, एक अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा, और बेसिकली इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। हो सकता है वेंडरवॉल बॉन्ड हो, बट एक अच्छा खासा अट्रैक्शन है। अब क्योंकि आपके लायोफिलिक में डीपी डीएम के प्रति अट्रैक्टेड रहता है, इसीलिए जो आपका कोलाइड बनता है ना डीपी डीएम के कॉम्बिनेशन से, ये एक स्टेबल कोलाइड कहलाता है। कैसा कोलाइड्स कहलाता है, ये आप लोगों का एक स्टेबल कोलाइड कहलाता है, बराबर। यानी कि अगर आप इसको बनाकर रखते हो तो ये काफ़ी देर तक उसी पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, उसी पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये कि जैसा भी आपने इसका प्रोडक्ट बनाया है, दोनों को मिक्स करके जो भी आपने बनाया है, वो वापस से डिकम्पोज नहीं होगा रिएक्टेंट में, है ना। कैन बी विथस्टैंड फॉर आवर्स, क्या हम लोग उसको काफ़ी देर तक रख सकते हैं, कैन बी विथस्टैंड, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, आप इसको ज़्यादा समय के लिए क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, ये इसकी स्पेशलिटी है क्योंकि ये स्टेबल है, है ना। अच्छा, उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके लायोफोफिलिक कोलाइड्स के लिए, वो ये कि लायोफिलिक कोलाइड्स बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। मतलब इफ समबडी वुड से यू कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर लायोफिलिक कोलाइड्स, सो आई वुड से कि कोई दिक्कत नहीं है लायोफिलिक कोलाइड्स के लिए, जस्ट कुछ मत करो, जस्ट मिक्स डीपी एंड डीएम। आप क्या करो, जस्ट मिक्स कर दो किस चीज़ को, डीपी एंड डीएम को। मैं बोलूँगी बस मिक्स कर दो, बोलोगे हाँ मैडम से मिक्स कर दो, इट मीन्स दे आर हाईली ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी होता है उन लोगों को क्या करना, प्रिपेयर करना। अब देखो, जितना आसान इनको प्रिपेयर करना होता है ना, उतना ही आसान इन लोगों को वापस से, मतलब डीपी और डीएम को मिलाकर आपने लायोफिलिक कोलाइड बना लिया, राइट। अब ऐसे केस में ये उतना ही आसान, जैसे इनको इजी टू प्रिपेयर होता है, वैसे ही आप इनको बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, वापस से क्या कर सकते हो, इजीली आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो एज डीपी एंड डीएम, ठीक है, बहुत इजीली। यानी कि कोई हाई फंटुश टेक्निक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही डीपी एंड डीएम में वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, आप वापस से उनको किस में कन्वर्ट कर दो, मतलब मिक्स कर दो, फिर से वो कोलाइड बन गए, फिर कोलाइड से डीपी डीएम अलग करो, मतलब इनका सेपरेशन और मिक्स फॉर्मेशन कोई आपके लिए कठिन काम नहीं होता। इसीलिए लायोफिलिक जो आपके कोलाइड्स होते हैं, इन लायोफिलिक कोलाइड्स की रिएक्शन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि रिएक्शन हम लोगों की कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अलावा हम लोग बेसिकली देखो, ये चैप्टर ना थेरी का है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, थेरी है, बस एक गोल्ड नंबर का टॉपिक आएगा जिसमें थोड़ा बहुत तुम लोगों को अच्छा लगेगा, अरे वाह खुशी होगी, अदरवाइज थेरी है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, और क्या जानते हो आप लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में। तो देखो, एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि लायोफिलिक कोलाइड्स को जब हम बनाते हैं, तो बनाने के दौरान जब वो कोलाइड बन जाता है, ठीक है, तो जो कोलाइड बनता है, जैसे लायोफिलिक कोलाइड जो बनता है, उस पर्टिकुलर कोलाइड के ऊपर, मतलब जैसे अगर आपके सामने कोई पर्टिकुलर एटम रखा है, तो आप ये सोचते हो ना कि वो एटम न्यूट्रल है, कि वो निगेटिवली चार्ज्ड है, कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो वैसे ही यहाँ पे जब भी कोई कोलाइड हम बनाते हैं,
तो हम ये जरूर सोचने कि उस पर्टिकुलर कोलाइड के ऊपर चार्ज कैसा डेवलप हुआ है, बराबर कैसा चार्ज डेवलप हुआ है, ये बात हम हमेशा सोचते हैं। तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, अगर मैं इनके लिए बात करूं, तो देखो आपको 99% केसेस में ये लोग क्या मिलेंगे, ऑलमोस्ट न्यूट्रल मिलेंगे। मतलब ये एक न्यूट्रल कोलाइड्स होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बट बहुत ही फ्यू केसेस में आपको इनके बीच का क्या मिलेगा, लिटिल बिट नेग्लिजिबल चार्ज वाले कोलाइड भी मिल सकते हैं। मतलब ऐसे कोलाइड जो कि लायोफिलिक भी हैं एज वेल एज उनके ऊपर एक छोटा सा क्या डेवलप हो गया है, चार्ज डेवलप हो गया है, उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो, आपके लायोफिलिक कोलाइड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो चार्ज की एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर चार्ज है, अगर उस चार्ज वाली चीज़ को आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव फील्ड दी, मैंने यहाँ पे नेगेटिव फील्ड दी, और मान लेते हैं यहाँ बीच में मैंने क्या लगा दिया, मतलब रख दिया आप लोगों का एक लायोफिलिक कोलाइड, तो क्या इस बीच में लायोफिलिक कोलाइड के रखने से क्या कुछ आपको मूवमेंट दिखेगा क्या? बिल्कुल, यहाँ कोई मूवमेंट दिखेगा तो हमें लगेगा कि हाँ ये कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं कुछ नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स आप लोगों की क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन नहीं, जैसे मैंने क्या बताया था कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं, तो क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं तो इसका मतलब लायोफिलिक कोलाइड्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किसी भी प्रकार का इसके पार्टिकल्स का या इसके मीडियम का कोई भी मूवमेंट नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमने लगा भी दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से लायोफिलिक कोलाइड्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, चलो जाने दो, छोड़ो, बराबर। लायोफिलिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, लायोफिलिक बोलता है क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, राइट, मेरे ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, और क्योंकि मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसीलिए अगर आप मुझको लेट से रख भी दोगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मुझे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे की क्लासेस में, ठीक है, तुम एक टर्म पढ़ोगे इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है, एक टर्म पढ़ोगे इलेक्ट्रोफोरोसिस, तो इलेक्ट्रोफोरोसिस बेसिकली आप लोगों का एक फेनोमेना होता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इस तरीके से कोलाइड्स को रखते हो और आप ये चेक करते हो कि कोलाइड्स किस तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं कि नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, है ना। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, ठीक है, इस तरीके की ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो हम ये देखते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड्स में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफोरोसिस यहाँ पे तुम लोगों को देखने को नहीं मिलता, ठीक है, डन। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इसकी सारी की सारी बातचीत कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ये है। अब देखो, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये जो पर्टिकुलर कोलाइड आप बनाते हो लायोफिलिक वाले, ये एक्सट्रीमली स्टेबल कोलाइड्स में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। इन स्टेबल कोलाइड्स को अगर आप चाहते हो कि आप किसी तरीके से इन कोलाइड्स को प्रेसिपिट आउट कराओ, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि कोलाइड्स कैसे होते हैं, आप लोगों की एक ऐसे रेंज के पार्टिकल्स होते हैं जो ना तो ट्रू सॉल्यूशन वाले हैं ना तो वो सस्पेंशन वाले हैं, वो एक्चुअली बीच के होते हैं उन दोनों के। तो अगर आप चाहते हो कि ये पार्टिकल्स, कोलाइड्स के पार्टिकल्स सस्पेंशन के जैसे क्या हो जाए, आप लोगों के सेटल डाउन हो जाए, है ना, वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, तो ऐसे केस में तुम्हें उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या देना पड़ेगा, आप लोगों को उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या देना पड़ेगा, आप लोगों का सॉल्वेंट देना पड़ेगा। जब आप एक लिमिट क्रॉस कर दोगे, आप सॉल्वेंट बहुत 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 ज़्यादा, वो भी कंसंट्रेटेड अगर आप सॉल्वेंट डालोगे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ करके हम लोगों का जो पर्टिकुलर कोलाइड है वो पर्टिकुलर कोलाइड क्या हो चुका है, आप लोगों का पर्टिकुलर कोलाइड आप लोगों का सस्पेंड हो चुका है, या फिर मैं ऐसा कहूँ दूसरी भाषा में तो कि वो पर्टिकुलर कोलाइड जो है आप लोगों का प्रेसिपिटेट आउट हो चुका है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने लायोफिलिक कोलाइड को क्या करवा सको, प्रेसिपिटेट आउट करवा सको, ठीक है, प्रेसिपिटेट आउट करवा सको, तो एक्चुअली आपको उसको प्रेसिपिटेट आउट करवाने के लिए, बोलो क्या देना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ नीडेड,
ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेट, इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेट आउट, किस चीज़ को प्रेसिपिटेट आउट करना है आपको, आपके कोलाइड को, तो बिकॉज दे आर स्टेबल. ऐसा क्यों होता है, उनको ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं आप लोगों के, एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं. ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल. अच्छा, एक बहुत ना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा याद रखें. जब मैंने अभी प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं देता, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट देता है. तो अभी देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कोलाइडल की क्लासिफिकेशन ही तो पढ़ रहे हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते. यस, सारे के सारे कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते. इट मींस दैट, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, आपके लायोफिलिक की, तो लायोफिलिक एक कोलाइडल सॉल्यूशन होने के बाद भी ये क्या नहीं करता है, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता. मैं टिंडल इफेक्ट को TE लिख रही हूँ, आप समझ जाना कि टिंडल इफेक्ट है, बराबर. तो ये आप लोगों के टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर लायोफिलिक क्या नाम है आपका कोलाइडल, उसके एक तरह से अगर आप टॉर्च डालोगे ना, मतलब टॉर्च की रोशनी डालोगे बेसिकली, तो आपको उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर में क्या नहीं दिखेगा, कोई भी पाथवे नहीं दिखेगा. ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी पाथवे नहीं दिखेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोलाइड बनाने के दौरान जो आपका डिस्पर्स फेज होता है, वो बहुत प्यार करता है डिस्पर्स मीडियम को, कि हाँ डिस्पर्स मीडियम यानी कि सॉल्वेंट को बहुत ज़्यादा प्यार करता है. उसको अच्छा लगता है कि सॉल्वेंट और उसके बीच में इंटरेक्शन बना रहे, सॉल्वेंट उसको सराउंडेड करते रहे. तो लायोफिलिक सॉल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आप ये पाओगे कि लायोफिलिक सॉल में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जनरली सॉल्वेटेड होते हैं. सॉल्वेटेड मतलब जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में प्रोसेस पढ़ी थी ना, सॉल्वेशन की, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आके सॉल्यूट को सराउंड कर लेते हैं, बस वही. ठीक है, लायोफिलिक में आपको क्या देखने को मिलता है कि पार्टिकल्स उसको सॉल्वेट करके रखते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स उसको क्या करके रखते हैं, सॉल्वेट करके रखते हैं, ये बात ध्यान में रखना. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, वो ये कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप कंपेयर करो, क्या कंपेयर करो, विस्कोसिटी कंपेयर करो, किस चीज़ की. देखो, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक डिस्पर्शन मीडियम है, क्या है मेरे पास एक डिस्पर्शन मीडियम, जैसे कि मान लेट से पानी, पानी मेरा एक डिस्पर्शन मीडियम है. और मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, एक डिस्पर्स फेज है, मान लेते हैं हनी है. ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं डिस्पर्स मीडियम की विस्कोसिटी देखूं, मतलब पानी की विस्कोसिटी चेक करूं कि पानी की विस्कोसिटी कितनी है, तुमने बोला मैडम इतनी है, फिर हमने पानी और हनी को बोलो क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. तो अब जो कोलाइडल बना, ठीक है, अब जो कोलाइडल बना, लेट्स से अगर वो कोलाइडल आप लोगों का लायोफिलिक बना, मान लेते हैं वो कोलाइडल बना, और अगर मैं कहूँगी इस कोलाइडल की विस्कोसिटी जाकर चेक करो, तो आप जनरली ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि अगर बातचीत चल रही है किसके लिए, लायोफिलिक के लिए, तो लायोफिलिक के केस में जो विस्कोसिटी होती है, किसकी विस्कोसिटी, आप लोगों के कोलाइडल सॉल्यूशन की, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की, है ना, वो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की, यानी कि कोलाइडल बनने के बाद, कोलाइडल बनने के बाद जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द विस्कोसिटी जब कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना था. ठीक है, जब कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना था, यानी कि उसके डिस्पर्शन मीडियम से, उसके DM के कंपेयर में इसकी विस्कोसिटी बताइए कैसी रहती है, आप लोगों की ज़्यादा रहती है, मतलब उसके कोलाइडल सॉल्यूशन की आप लोगों को ज़्यादा मिलती है विस्कोसिटी. ठीक है, विस्कोसिटी वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, तुमको ज़्यादा देखने को मिलती है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीज़ें क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली तुमसे पूछी जा सकती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेट से. तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, चलो ये भी तुम लोगों को बता दिया है. अच्छा, एक और पॉइंट होता है. अच्छा, कई लोगों को हो सकता है मे बी इस पॉइंट पे डाउट हो कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म विस्कोसिटी. तो देखो, विस्कोसिटी बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो कि कोई भी लिक्विड अगर फ्लो होना चाहता है, तो उसके फ्लो होने को नहीं देना है, हमें नहीं फ्लो होने देना है.
रेजिस्टेंस शो करना है, हम नहीं चाहते कि वो लिक्विड फ्लो हो, हम उसको रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तू फ्लो नहीं होगा। दैट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज नोन एज व्हाट, विस्कोसिटी। जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, याद रखना ठीक है, कि वो पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की क्या कहलाएगी, उतनी ज़्यादा विस्कस कहलाएगी। जैसे कि शहद को ही देख लीजिए, है ना, शहद में आप लोगों का क्या होता है। अच्छा, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्या कहा मैंने कि जो विस्कोसिटी है, जो सोल्यूशन बनेगा, लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, उसकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उसके डिस्पर्स मीडियम। लेकिन अगर मैं बात करूँ सरफेस टेंशन की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन आपकी दो लोगों के बीच में कंपेयर की जा रही है। एक बार वो सरफेस टेंशन जो डीएम की है, यानी कि डिस्पर्स मीडियम की, कोलाइडल बनने से पहले, वर्सेस जब आपने कोलाइडल बना लिया, तो जो कोलाइडल बन चुका है आप लोगों के पास, उस पर्टिकुलर चीज की सरफेस टेंशन। तो आप ये देखते हो कि सरफेस टेंशन क्या होती है, बनने के बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और बनने से पहले बोलो उसकी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आप लोगों को पॉइंट याद करने थे, ये आप लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना था, राइट। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम लोगों के पास ये लायोफिलिक होते हैं, है ना, ये जो हम लोगों के लायोफिलिक होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आपके स्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि इनको मैं प्रेसिपिटेट करवाऊँ, है ना, तो आपको इनको प्रेसिपिटेट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट लगेगा। तो इनकी जो प्रेसिपिटेशन होती है, या फिर इसको दूसरी भाषा में, सरफेस केमिस्ट्री में हम कोएगुलेशन भी कहेंगे, तो इनकी कोएगुलेशन बोलो कैसी रहती है, काफ़ी हद तक आप लोगों की डिफ़िकल्ट होती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी किसको लेकर, तुम लोगों के लायोफिलिक को लेकर। अगर तुम इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स का मतलब, अब देखो ये सारे पॉइंट्स में ऑब्वियस है कि लायोफोबिक के लिए वापस से लिखवाना मेरा बोल बोल कर, ये तो एकदम बच्चों वाली चीज़ लगेगी, है ना। तो इसको तुम रिवर्स कर सकते हो, जैसे कि पहले पॉइंट पे अपन बातचीत करते हैं। बताओ पहला पॉइंट आप लोगों का क्या था। पहला पॉइंट आपका ये था कि डीपी अट्रैक्टेड टूवर्ड डीएम, तो लायोफोबिक का जब बना रहे हो नोट, वैसे मैं सजेस्ट करूंगी इसको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में कॉपी में लिख लेना, मेरे को भी डिस्टिंग्विश के फॉर्म में ही लिखवाना चाहिए था, बट खैर ठीक है। तो इसको आप डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखना, जब आप डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखोगे तो पढ़ने में भी आसानी होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया अट्रैक्टेड, तो आप लायोफोबिक के केस में यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो, बोलो, नॉट अट्रैक्टेड, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे लिखा है अट्रैक्शन और बॉन्ड, तो वहाँ लिख दिया नो अट्रैक्शन नो बॉन्ड। मैंने यहाँ लिखा है स्टेबल, लायोफोबिक के केस में आ जाएगा अनस्टेबल। मैंने लिखा है कैन बी विदस्टैंड, वहाँ पे आ जाएगा कैनॉट बी विदस्टैंड, डन। अच्छा, उसके बाद देखो मैंने क्या कहा तुमसे कि लायोफिलिक को प्रिपेयर करना बड़ा ही आसान होता है, जस्ट मिक्स प्रिपेयर हो गया, फिर आप उनको बहुत ही आसानी से, यानी कि इवेपोरेशन वगैरह कर कुरा कर, आप उनको सेपरेट आउट भी कर सकते हो, फिर मिक्स कर दो फिर बन जाएगा, फिर सेपरेट आउट कर दो फिर मिक्स कर बन जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस कैसी होती है, रिवर्सिबल। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ लायोफोबिक के केस में, तो देखो लायोफोबिक के केस में अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं उनके प्रिपरेशन की, तो लायोफोबिक सोल्स बनाने के लिए आपको कुछ हाईली स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। जब आप ये हाईली स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हो, तब जाके आपका लायोफोबिक सोल बनता है। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्ड अचानक से मैंने सोल यूज़ करना क्यों शुरू कर दिया, अभी तक तो मैं आप लोगों को कोलाइडल कोलाइडल कह रही थी, क्योंकि उन सारे कोलाइडल में से बेसिकली हमको सोल्स ही पढ़ने हैं, इसीलिए ठीक है हम लोग डायरेक्टली सोल्स के रिस्पेक्ट में बातचीत कर रहे हैं। हाईली स्पेशल टेक्निक्स लगती हैं, जो कि आप आगे की क्लासेस में सीखोगे, क्योंकि इनको हाईली स्पेशल टेक्निक्स लगती हैं। तो अगर आपने मान लेते हैं इनको किसी भी तरीके से अलग कर भी दिया, तो अलग करने के बाद सिर्फ मिक्स कर देने से ये वापस से बन जाएंगे क्या, नहीं, फिर से आपको क्या करनी पड़ेगी, वो हाईली स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, ताकि आपका वापस से लायोफोबिक कोलाइडल या सॉल आपको मिले। यानी कि ये चीज आसान नहीं है, इस चीज के लिए आपको वापस से पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। जैसे कितना आसान होता है, बर्फ को निकाला पानी बनाया, पानी को निकाला बर्फ बनाया, कितना आसान होता है, बट इट डजंट मीन्स कि हम बाकी रिएक्शंस, एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, उनके साथ भी कर सकते हैं, बट जितना आसानी से बर्फ और पानी के साथ कर सकते हैं उतने आसानी से तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए लायोफोबिक सॉल्ट्स आप लोगों के कैसे होते हैं, रिवर्सिबल नहीं बल्कि इरिवर्सिबल। जैसे हमने बात की थी
कि जब भी कोई कोलाइड बनता है तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है ना, जब भी कोई कोलाइड बनता है तो उस कोलाइड के ऊपर क्या होता है, चार्ज क्रिएट होता है। तो अगर मैं बात करूँ लायोफोबिक की, बराबर, अगर मैं बात करूँ लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक के केस में हाँ, लायोफोबिक सॉल्स के ऊपर क्या बनता है, चार्ज क्रिएट होता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब यही सेम पॉइंट तुम अपने नोट्स में लिखोगे, तो जैसे मैंने लिखा है ऑलमोस्ट न्यूट्रल, तो तुम्हें वहाँ पे ऑलमोस्ट न्यूट्रल वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पे तुम्हें लिखना है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर तुम ऐसे लायोफोबिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखोगे, तो इमेजिन करो आपके कोलाइड के ऊपर खुद एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आपके कोलाइड के ऊपर खुद एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो खुद को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ अट्रैक्ट करवाएगा, वो खुद को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव प्लेट यानी कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करवाएगा। अगर मान लेते हैं तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रख दिया है, एक लायोफोबिक कोलाइड रख दिया है जिसपे मान लेते हैं निगेटिव चार्ज, तो वो खुद को पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करवाएगा, यानी कि यहाँ पे एनोड या कैथोड के तरफ आपके कोलाइड्स की मूवमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे उनके ऊपर चार्ज होता है, यानी कि यस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरीके से आपके लायोफिलिक वाले हाईली स्टेबल होते थे, अगर तुम चाहते हो कि उनको पीपीटी बनवाओ, उनको प्रेसिपिटेट कराओ, तो उनका प्रेसिपिटेशन ईजी नहीं होता था। आपको वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन चाहिए होती थी इलेक्ट्रोलाइट की, अगर आप उनको प्रेसिपिटेट करवाना भी चाहते हो तो। यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत ही लो कंसंट्रेशन चाहिए होगी, किसकी, आपके इलेक्ट्रोलाइट की, और लो कंसंट्रेशन में पट पट आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली इंतजार में बैठे हैं इलेक्ट्रोलाइट के कि हाँ इलेक्ट्रोलाइट आएगा और हम लोगों को प्रेसिपिटेट करवाएगा, क्योंकि हम तो खुद बहुत ही अनस्टेबल है, हम तो साथ में रहना नहीं चाहते, बट उस स्पेशल टेक्निक की वजह से हमको साथ में रहना पड़ रहा है। अगर हमें मौका मिले भागने का, तो हम तुरंत एक दूसरे को छोड़कर बोलो क्या कर जाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो लायोफोबिक के पार्टिकल्स होते हैं, ये जनरली सॉल्वेट नहीं होते। लायोफिलिक में मैंने क्या लिखा था कि लोग जनरली सॉल्वेट हो जाते हैं, लायोफोबिक के पार्टिकल्स सॉल्वेट नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लायोफिलिक वाले लोग आपके टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते थे, और यहाँ पे लायोफोबिक वाले लोग टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बारे में अगर तुम लोगों को कमेंट करूँ, तो ऐसा नहीं कि लायोफोबिक के केस में साइन उल्टी हो जाएगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सॉल बनने के बन गया वर्सेस उसका डिस्पर्शन मीडियम, दोनों की विस्कोसिटी बोलो कैसी है, अप्रोक्सीमेटली बोलो कैसी है, सेम। दोनों का सरफेस टेंशन कैसा है, अप्रोक्सीमेटली सेम, नॉट इक्वल बट अप्रोक्सीमेटली सेम, नॉट मच लार्ज डिफरेंस, ठीक है। तो ये कहानी थी लायोफोबिक और लायोफिलिक सॉल्ट्स की, सॉल की, नॉट सॉल्ट्स, ठीक है, जिसमें मैंने तुमको इनके बीच के कुछ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बताए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और अच्छे से याद रखना, अगर आप लायोफिलिक को डिटेक्ट करने की कोशिश करोगे कि लायोफिलिक सॉल को मैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे रखूं, है ना, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे रखूं और पता लगाऊं कि मेरे को वो पर्टिकुलर कोलाइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप इनको क्या नहीं कर सकते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इनके अपोजिट वाले लोगों की बात करूँगी, यानी कि फोबिक वालों की, तो ये जो फोबिक वाले होते हैं, ये फोबिक वाले आप लोगों के क्या होते हैं, इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, अगर हम इन लोगों को कहाँ पे रखेंगे, आप लोगों के अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्लासिफिकेशन, बराबर, किस केस में, आपके कोलाइडर्स के केस में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोलाइडर्स के केस में क्लासिफिकेशन अभी रुक गया है। अभी इसी पर्टिकुलर वीडियो में मुझे एक क्लासिफिकेशन और बताना था कि कौन से कोलाइड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कौन से कोलाइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। कोलाइड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कि कोलाइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कौन से एग्जांपल्स होंगे उस पॉजिटिव वाले, कौन से एग्जांपल्स होंगे नेगेटिव वाले, ये आपको याद रखना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। उसके अलावा एक चौथा और क्लासिफिकेशन होता है, वो क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। फिर उस क्लासिफिकेशन में एक सब टॉपिक क्रिएट होता है,
ठीक है, जो चौथा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ना उसके तीन सब पार्ट्स होंगे, उन तीन सब पार्ट्स में से एक सब पार्ट को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एकदम मजे से। बस उतना पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा जो कुछ एखादी मिसलेनियस टॉपिक्स रह जाएंगे तुम्हारे इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं कोलाइड्स के, वो हमको देखने होंगे, जैसे कि कौन सी मेथड से कोलाइड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, बराबर कोलाइड्स की स्टेबिलिटी पे कौन कौन से है? मतलब किन किन फैक्टर्स पे कोलाइड्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, गोल्ड नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड आफ्टर दैट आवर चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, तो राइट नाउ वी हैव डन टू क्लासिफिकेशन, कल रिमेनिंग दो क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बाद हम लोगों का ये कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट बोलो क्या हो जाएगा ओवर। फिर हम लोग इस पार्ट में मूव करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कोलाइड्स, आप कोलाइड्स को प्रिपेयर कैसे करते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा मेथड्स एंड ऑल, छोटे 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 मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है,